मेरे बगीचे के अंदर आज रात को बर्फ गिरी है, उसमें सब मेरा बगीचा भी नष्ट हो गया है। मेरे बैंगन और अनार के पौधे भी नष्ट हो चुके हैं, पूरे जल चुके हैं। उनके भी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, लेकिन क्या करें, भगवान की देन है। भगवान करेगा वही, अपन ही करेंगे। ऊपर वाला करता है तो अपन भी मंजूर करेंगे, ऐसा है सिस्टम। ऊपर वाले ने किया है, अब उसको मंजूर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करें, किसानों की मेहनत में पानी फिर रहा है। ये है मेरे बगीचे, बगीचे के अंदर जो बर्फ पूरा गिर गया है, पूरा नष्ट होने की कगार पे आ गया, ये जल गया है। चलो और मेहनत करेंगे, और क्या करें, ये जो पौधे हैं उस पौधे पे बर्फ है, पूरी बर्फ की चादर बिछी हुई है खेत के अंदर, पूरी बर्फ के अंदर चादर बिछी हुई है। चलो ऊपर वाला करेगा तो मंजूर तो करना पड़ेगा ना, क्या करे, भगवान की मर्जी। लेकिन थोड़ी सी मेहनत पे पानी फिर रहा है, क्या करे, इस 2020 कोरोना काल में सबको मार ही मार पड़ रही है, क्या करे। ऊपर वाला करता है तो अपन तो मंजूर करेंगे। मैं सुबह खेत के अंदर आया तब पूरे बगीचे में चादर की तरफ सफ़ेद 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 पूरी बर्फ ही बर्फ दिख रही है, पूरी बर्फ ही बर्फ है। मैंने तो शायद लगभग पहली बार ही देखी है, लेकिन ऐसी बर्फ कभी कहीं भी नहीं, मैंने इस एरिए में यही देखी है। कम लगभग 40 साल से मैं ये बता रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, हुआ जो अच्छा है भगवान करता है, लेकिन पूरा बगीचा मेरा नष्ट कर दिया इस बर्फ ने पूरे। ये देखो पौधे जले हुए, मैं बता देता हूँ, इस तरह से जल गए हैं ऊपर से, ये पूरे ऊपर से जले हुए पौधे, ये पौधे पूरे जल गए, ये पूरे जल गए, ये देखो ये ऊपर से पूरे जल गए। बस इस हिसाब से ये नुकसान हुआ है, पाला गिरा है ना, बर्फ बर्फ गिरने के कारण से पूरा बगीचा नष्ट कर दिया। चलो ठीक है। लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित, भावनगर पादरू। दो दिन से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, भयंकर ठंड के कारण हमने मक्के की बुआई की थी,
जो फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। और इसके आसपास हमने अनार के पौधे भी थे, गेहूँ भी थे, सरसों, रायड़ा, जीरा, इस सब गोल सभी की हमने बुआई की थी इस बार। लेकिन दो दिन से लगातार पाला पड़ने और फसल पर बर्फ जमने से हमारी ये मक्के की जो देख रहे हैं फसल, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। आप सीधी बता रहे हैं वहाँ, देख आप देखिए, ये लगातार पिछले दो दिनों से ठंडक पड़ रही है। और पादरू के आसपास गा पादरू, इटवाया, कुंडल, कांखी, वेरानाडी, इन गांवों में भी फसल को नुकसान पहुंचा है। एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये हेलीकॉप्टर अरे